उतना पान खाता ल हां पान पसंद बा बनारसी बाबू हां हां भैया इतना खुशी से जा रहे हैं रात में भी काहे बिका नहीं इसलिए खुशी हो जा रहे हैं बिका नहीं है नहीं बिका है। बिकता है तो ना खुशी होता हो 2000 रुपए सेल लगाते हैं आलू ऐसा ही फेंकाएगा तो खुश का है इतना अभी हंस रहे हैं वो तो ऐसा ही हंसते जाते हैं बीवी से बात कर रहे थे ना अभी फोन पे हमारे शादी हुआ ही नहीं तो बीवी कहाँ से होगा किससे बात करके इतना खुश थे गाना सुनते जा रहे थे गाना सुन रहे थे आरा में जाए आरा वाला आरा वाला आरा वाला कौन गा के मत बताओ तनी लाइन बता था जो आरा ना जाए आरा ना जाए हाँ तो घर कहाँ बा दरभंगा तो दरभंगा ना जी काहे ना जा बा के बा दरभंगा में हाँ मम्मी पापा है मम्मी पापा शुरू से गुपचुपे बेचने का मन था हाँ पढ़ेंगे ना पढ़ने के समय में बकरी चढ़ा देते हैं। नमस्कार मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इनकम टैक्स पे और ये गुपचुप वाले मिल गए हैं। बड़ा खुश लग रहे थे, जा रहे थे तो गुनगुना रहे थे गाना। नाम क्या हुआ? कमलेश कुमार। इतना खुशी से जा रहे हैं रात में भी काहे? बिका नहीं इसलिए खुशी हो जा रहे हैं। बिका नहीं है? नहीं बिका। बिकता है तो ना खुशी होता हो। हम लोग ऐसा ही खुशी में मना रहे हैं। नहीं बिक रहा हुआ? कमलेश कुमार। तो बिका कुछ भी नहीं? नहीं, 200 रुपया बेच के जा रहे हैं। कितना लगाए? 2000 रुपए सेल लगाते हैं, आलू ऐसा ही फेंकाएगा। तो खुश का है इतना अभी हंस रहे हैं? वो तो ऐसा ही हंसते जाते हैं मगन। बीवी से बात कर रहे थे ना अभी फोन पे? हमारे शादी हुआ ही नहीं तो बीवी कहाँ से होगा? किससे बात करके इतना खुश थे? गाना सुनते जा रहे थे। गाना सुन रहे थे? खेसारी लाल का। कौन गाना? कौन गाना? एको लाइन कौन गाना? एको एको लाइन होगा ना? हो ई वाला लाइन कौन गाना? आरा में जाए। आरा वाला? आरा वाला? आरा वाला कौन? गा के मत बताओ, तनी लाइन बता था। जो आरा ना जाए। आरा ना जाए? हाँ। तो घर कहाँ बा? दरभंगा। तो दरभंगा ना जी काहे ना जा बा के बा दरभंगा में? हाँ मम्मी पापा है। मम्मी पापा। तो शुरू से गुपचुपे बेचने का मन था? हाँ। पढ़ेंगे ना? पढ़ने के समय में बकरी चढ़ा देते हैं। पढ़ने के समय में? आइए आइए बात करते, चलते चलते चलिए आइए। बताइए कि पढ़ते वक्त क्या बकरी चढ़ा रहे थे? अब आप फोचका बेच रहे हैं? फोचका बेच? लड़की सब आती है गुपचुप खाने? हो बिल्कुल आता है भैया। सुंदर सुंदर क्या बोले? सुंदर सुंदर हो? हाँ। चलिए इनको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, लेकिन सुंदर दुख जाए तुम 2 सेकंड जा देना। सुंदर सुंदर लड़की? हाँ। ऑफर देते हैं कि नहीं? नहीं 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 क्या है? ऑफर नहीं देता तो शादी में लड़की कैसी चाहिए बता दीजिए लोगों को। शादी में जैसा गार्जियन के पसंद होगा वैसा करेंगे। गार्जियन के मतलब मोटी छोटी? जैसा गार्जियन के पसंद आएगा वैसा करेंगे। चलेगी? पक्का? वादा है? वादा। और गुपचुप पे उसको भी बैठा दीजिएगा? काहे बैठाएंगे? घर पर बैठेगा? घर पर बैठेगा खाएगी क्या? हाँ। साड़ी खरीद के दीजिएगा ना? काहे नहीं देंगे? कमाएंगे? कमाएंगे किस लिए? खुद मियाँ बीवी नाजाइब के अलावा कौन गाना सुन रहा? उतना याद ना बा उतना पान खाता ल हाँ पान पसंद बा बनारसी बाबू हाँ भैया 200 रुपए कमाने वाला? हाँ। देखिए किस तरह से खुश नसीब है, जो देखिए दौड़ के जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से वो जो शख्स हैं वो दौड़ के जा रहे हैं। और सबसे अलग बात है और सबसे अच्छी बात है, देखिए आप लोग भी सोचेंगे कि हम इनकी कहानी क्यों किए। बहुत देर से वॉच कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो भैया गाना सुन रहे थे, आरा ना जाई बोला, खेसारी लाल यादव का फैन लग रहे थे, बीवी के बारे में बोले हैं, कितना गुपचुप मिला है, सब चीज़ बोले। देखिए सबसे बड़ा मैसेज इस स्टोरी का यही है कि आप 100 रुपये कमाएँ, आप 2 लाख रुपये कमाएँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये इनको घाटा हुआ है, आलू फेंकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, मुँह में पान दबाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ने वक्त हम बकरी चरा रहे थे। जी हाँ, पढ़ने वक्त तो हम बकरी चरा रहे थे। तो देखिए कितने खुश मिजाज हैं, लॉस के बाद भी खुश रहना कोई इनसे सीखे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इसको लाइक करें। धन्यवाद।